सीट पे आए हुए उन्होंने वकला की फैलाओ बहबूद के लिए कोई काम किया, तो मेरे हिसाब से इन्होंने हर नौजवान एडवोकेट के साथ या सीनियर के साथ जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी, वकार वासी की ज़रूरत पड़ी, ये वहाँ कोर्ट्स में भी पहुँचे हैं और बाकायदा सलाह और बामी रजामंदी से बहुत अच्छे अंदाज में वकील को डिफेंड किया है और वकला का काम करवाया है और उनकी इज्जत बढ़ाई है। तो यही वजह है कि ये नौजवान नसल क्या सीनियर्स में भी मकबूल हैं और माशाल्लाह इनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं वकालत के हिसाब से और कभी किसी से ज़्यादती नहीं करते और जो जिनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके साथ खड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वकार अब्बासी जनरल सेक्रेटरी के लिए और यही वजह है कि नौजवान नसल सीनियर वकला और तमाम वकला एक समंदर की शक्ल में इनके साथ आ चुके हैं और उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी से इमकनार करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वोट की भी कि इनको वोट कास्ट करें जनरल सेक्रेटरी पर और दुआएँ भी करें और सपोर्ट भी करें और सीनियर्स आके इनके शाना बशाना आके खड़े हो जाएँ, इनके कंधे पर हाथ रखें, शफकत का हाथ रखें और इनको कामयाब बनाएँ। बहुत शुक्रिया।